जेएमएम के स्टार प्रचारक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने तालझारी प्रखंड के केंदुआ फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बोरियो और राजमहल विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। कल्पना सोरेन ने इस मंच से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में घुसपैठ हुआ है तो जरा बता दें कि झारखंड का कौन सा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, और यदि घुसपैठ हुई है तो सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये भाजपा वाले लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। कल्पना सोरेन ने भाजपा से पूछा, काला धन वापस आया, 15-15 लाख गरीबों को मिला, साल में 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं मिली, तो ये पार्टी केवल जुमलों की पार्टी है। इसलिए आप लोग जेएमएम को वोट देकर एक बार राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनाना है। मंच पर बोरियो विधानसभा के प्रत्याशी धनंजय सोरेन और राजमहल के प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन उपस्थित रहे। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। आसार छापरे और राजमहल दादा रिया नंबर 2 का नाम आसार छापरे आपे आले होर कने आपे ठेन अरदास तो कने आपे आ दाड़े आसार छाप रे एमपे और बढ़ती ते बढ़ती वोट एम कटे नोआ दादा रिया सिपाही कन गया आपे रिया सिपाही कन गया नोआ आसार रे बढ़ती वोट एम कटे वनर दादा के विधायक बिना और बोरिया कोई और राजमहल कोई ओना के संकल्प खताव कटे नोंडे कोन चला में और यहां पर मैं तारीख होने वाली है सॉरी 20 को हम तो 13-13 आज वोट दे रहे तो 13-13 ही बोल आज तो वोट कर दिया है मैंने 20 तारीख को मतदान की यहाँ पे तारीख है 20 तारीख में बोरियो से जो मतदाता बोरियो से है वो एक नंबर पे तीर धनुष का बटन दबाएंगे और राजमहल के मेरे हमारे सभी मतदाताओं से अपील है राजमहल से नंबर 2 में तीर धनुष का वोट दबाएंगे बॉर्डर को टच कर रही है और अगर आप घुसपैठ की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपके ऊपर फिर से उठता है कि जब वो इंटरनेशनल अगर बॉर्डर